प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग प्रभारी मंत्री गोरखपुर मंडल सुरेश कुमार खन्ना ने विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग अवश्य की जाए। मॉनिटरिंग जितनी अधिक होगी कार्य उतना ही गतिशील होगा। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए तथा जल निगम को निर्देशित किया कि वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बिछाते समय यह ध्यान रखें कि आवागमन हेतु बनाए गए सड़क को खोद कर ना छोड़ें, बल्कि कार्य समाप्ति के तत्काल बाद सड़क की मरम्मत करा दें ताकि आवागमन में असुविधा ना हो। उक्त निर्देश प्रभारी मंत्री ने एनएक्सी सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा की समीक्षा के दौरान कहा कि यह रोजगार परक योजना शासन की प्राथमिकताओं में से है। उन्होंने कहा कि गाँव की आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग बनाई जाए और मनरेगा के कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। बेसिक शिक्षा की समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जितनी अधिक मॉनिटरिंग होगी शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में किया जा रहा है। शहरी पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं उद्योग के क्षेत्र में जब विकास गतिशील होगा तभी जनपद स्मार्ट सिटी के रूप में उभरेगा। बैठक का संचालन एवं तथ्यों का प्रस्तुतीकरण जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया तथा प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटेक, विधायक राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, चेयरमैन उर्दू एकेडमी चौधरी कैफुल वरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बस फोटो लेके तुरंत बात, एक घंटे के बाद बात करेंगे। एक मिनट। सर आपका पुलिस अधीक्षक से भी है और जिलाधिकारी से भी है।